पेश है गुड मॉर्निंग जे एंड के। नाज़रीन आदाब, सुबह खैर नाज़रीन। नाज़रीन गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, मैं हूँ आपका मेजबान तबरेज़ मदनी और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी वसाफ जिलान। कैसे हो सर? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं, खैरियत से। आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, और आपकी स्माइल देखकर मैं हमेशा बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। चलिए चलिए, किसी के तो काम आई। नाज़रीन मोहतरम, आज संडे का दिन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, संडे हमारा एक स्पेशल दिन होता है जिस दिन हम म्यूजिकल प्रोग्राम आपके लिए लेकर, म्यूजिकल होता है ये संडे स्पेशल। आज भी ये संडे स्पेशल लेकर हम आए हैं और आज भी बहुत सारा म्यूजिक आपके लिए पेश किया जाएगा। यंग टैलेंटेड हमारे सिंगर्स वादी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और अपना फन आपके सामने रखते हैं। आज भी कुछ यंग टैलेंटेड सिंगर्स को हमने मौका दिया है। नाज़रीन, टैलेंटेड जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, टैलेंट। टैलेंटेड लोगों को ही मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। वो अंग्रेजी की एक कहावत है, कहते हैं फेवरेटिज्म इज द एनिमी ऑफ मेरिटोक्रेसी। मैं कितना काबिल हूं, अगर आपका फेवरेट नहीं हूं तो मेरी काबिलियत किसी काम नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेवरेट होते हैं, काबिल नहीं होते। सही। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको फेवरेटिज्म मिलता है, एंड वो क्या करते हैं, वो किसी भी, वो कहते हैं नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। सही। ये लोग जो होते हैं इनके लिए कोई भी इंडस्ट्री में एक्सेल करना मुश्किल नहीं होता। और वहां क्या होता है, वहां पर सच्चा टैलेंट मारा जाता है। आप भी देखिए, कहीं दाएं बाएं अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, कहीं किसी ऐसी शख्स को आप इग्नोर तो नहीं कर रहे जो काबिल है, और किसी ऐसे शख्स को आप मौका तो नहीं दे रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का जो सिर्फ आपका फेवरेट है। फेवरेट होना गलत नहीं है, लेकिन फेवरेट होने के साथ साथ उस शख्स की काबिलियत भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो उस काम के लिए फिट है जहां पर आप उसको फेवरेट उसको फेवरेट समझते हैं। अच्छा, तब इससे पहले कि आप कंटिन्यू करें, ये बात आपको किस बात पे सूझी है? ये एक्चुअली ये जो लाइन्स आई आज सुबह जब मैं चला, मेरे मोबाइल पे फ्लैश हुआ, किसी ने फोटो डाली थी मेरे उस पर मोबाइल पर, तो उस पर ये फेवरेटिज्म वाला वर्ड लिखा हुआ था। तो फिर मेरे को ख्याल आया कि हकीकत में हम देखते हैं काफी सारे टैलेंटेड लोग हैं, बिल्कुल, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते सिर्फ इस वजह से कि वो फेवरेट नहीं बने। दे वर टैलेंटेड, सही, लेकिन वो फेवरेट नहीं बन पाए। शायद वो किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए। बहुत सारे वजूहात होते हैं, बहुत सारे वजूहात होते हैं। और इस बारे में क्या आपका ख्याल है, लाइकिंग सही है? लाइकिंग गलत नहीं है, लेकिन लाइकिंग से आप किसी का टैलेंट मार दें वो गलत है। ठीक। और पता है आपको, इससे एक और चीज जिसके हवाले से आपने बात की, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, लाइकिंग, इससे क्या होता है कि जब एक बंदे को फेवर किया जाता है आपसे ज्यादा, तो वो ओवरऑल जो उसका सर्कल होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। उसमें जो एक मोटिवेशन होती है वो बहुत कम पड़ जाती है, और उसके बाद वो मोटिवेटेड नहीं रहता वो काम करने के लिए। तो इससे इफेक्ट ओवरऑल जिस हम एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं उस पर बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट पड़ता है। ये एक इसकी अनदर साइड ऑफ एक पहलू है। इसके अलावा अगर आप बहुत टैलेंटेड हो और आपको महसूस हो रहा है कि ये टिशन में जाए कहीं, ये फेवरेटिज्म के साथ, ये लाइकिंग के साथ, तेम पर क्या सुवत नफर सुवत तो सुख किसान दही में जाए, तो ओवरऑल पशु किसान खुद कंपनी नुकसान करें या जिस भी सर्कल में वो होता है, हकीकत है। और जहां पर हम देखते हैं जो हमारे फेवरेट लोग होते हैं,
फेवरेट वो होना चाहिए जो टैलेंटेड है. बिल्कुल. फेवरेट वो नहीं होना चाहिए कि जो टैलेंटेड नहीं है, जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है. जो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है उसको आप अपने से दूर ही रखें. सही. और मौका उसे दे जो सच में टैलेंटेड है, जिसमें दम है, जो कुछ करके दिखा सकता है. जैसे कि अभी वसाब बैठे हैं यहाँ. वसाब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही शानदार एंकर है हमारे, और बहुत सालों से अब काम कर रहे हैं और इस शो में तो काफी सालों से काम कर रहे हैं. अगर हम वसाफ को मौका देते हैं तो हम टैलेंट को मौका दे रहे हैं. मुझे वसाफ पसंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वसाफ में टैलेंट है इसलिए उसे मौका मिल रहा है. तो अगर वसाफ में टैलेंट नहीं है उसके बाद से मौका मिल रहा है तो ये गलत बात है. तो वसाब मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको अदरवाइज नहीं लिया होगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड मेक माय ऑडियंस अंडरस्टैंड कि हम क्या करना चाह रहे हैं इन वर्ड्स के लिए. बहरहाल ये तो हमने लाइकिंग और नेपोटिज्म पर बात की. आज इतवार का भी दिन है, आज तातील का दिन है, संडे एडिशन है, और संडे एडिशन नाज़रीन आप जानते हैं कि मौसीकी का होता है. आज तो बेशक स्कूल शुरू से नहीं है कि लुक मौसीकी यश तादिमो ज़्यादा खुद ज़्यादा मौका प्रोग्राम मज तो आज सीत से. और ये देखिए तबरेज़ भाई की इस नव जनरेशन उस नव पुज सान असलाफ ज़बरदस्त मौलान कलाम लिखमत नवस तर्जस पे पेश कर. तो उससे जो है हमारी जो ऑडियंस है जिस लकड़ लकड़ ऑडियंस है वो भी जो है गुनगुनाते हैं. सो एक बहुत अच्छी बात है इसकी हमारी मौसिकी की. अगर वैसा एक चीज और जी, नयापन आना गलत नहीं है, लेकिन नयापन आने के साथ जो चाशनी है वो चाशनी नहीं जानी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए. सही सही. तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए. नाज़िम मोहतरम, आज भी इस प्रोग्राम में आपके लिए म्यूजिक का एहतमाम किया गया है. जी हाँ, आपके लिए आज का ये म्यूजिकल स्पेशल जो शो रहता है संडे को वो पूरा रहेगा, लेकिन आगाज में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें निभानी होती हैं. तो और वो जिम्मेदारी निभाता कौन है? मेरा साथी. और मुझे लगता है आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत शानदार, बहुत शानदार. जब मैं यहाँ की ओर आ रहा था, हालांकि पिछले एक दो दिन से बारिश हो रही है और थोड़ा सा बिकॉज मुझे जो है गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू विंटर्स. मैं आंसू डर चुका कि वांदमा गोस्टा क्योंकि अब जो है नेक्स्ट देखने वाले मई में ही देखने वाले गर्मी. बहरहाल पर मौसम अच्छा था आज. और नाजिम मौसम श्रीनगर की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है. मरतला जुजी तौर पर आलूद रहेगा. जम्मू में 35 और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब आलूद रहेगा. लेह में 21 और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है. और वहाँ पे भी मतलब जुजवी तौर पर आलूद रहने की तवक्का है. ये तो मौसम का हाल. शाहराओं की ओर चलें तो आज NH44 सिंगल नेशनल हाईवे पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है. SAG रोड पर आज पहले छोटी और बड़ी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा, बाद में छोटी और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा. मुगल रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है. मजीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप रुक कर सकते हैं और ओवरली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं. और जैसा कि हमने कहा कि प्रोग्राम के आगाज में आज संडे स्पेशल है, तो क्या आज बड़ा ही खास दिन है संडे का, और संडे के दिन स्पेशल मेहमान होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं जो हमारे इस शो का हिस्सा बनते हैं. आज भी एक टैलेंटेड गुलकार को हमने मधु किया अपने स्टूडियो में. इनका ताल्लुक श्रीनगर से है. जी हाँ, नाम है शब्बीर अहमद भट्ट साहब. शब्बीर साहब, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में इस्तकबाल. शब्बीर साहब का साथ देंगे आज उनके साथी आदिल खालिक, जो उनके साथ गिटार पर उनका साथ देंगे, गिटारिस्ट हैं. आदिल, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल. शब्बीर साहब, सोन प्रोग्राम छो तो पाई शाही गंडुक शो आसान थे आत्मा से कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा कात कर हो तो ऐसे ते आगाज से हमेशा आसान की गए नातिया कलाम से दिगा सुन ते आज छा गड़ कहा नातिया कलाम से आगाज करो तंपत करो उस मस्जिद का. बिल्कुल. जान बंदे यो हब पान बंदियो जूत जान बंदिया म्यान पीर लो तई लो जान बंद यो हब पान बंदियो जूत जान बंदिया म्यान पीर लो तई लो ची सवाल नबी
तट हमक लाइजे छुई सवाल नदी तट हमक लाइजे इतिहास आलम गिर लो तैलो इतिहास तटहास इतिहास आलम गिर लो तैलो जानवंद यो हब पान वंद यो बड़ डल तरान बिच बड़ डल तरान बिच हजरत बल के नूर लो तैनो हजरत बल के नूर लो बढ़िया खूबसूरत। हालांकि ये नातिया कलाम मैं बूझमुत रेडियो पे कई लटी तो मोन ये बड़ चहित नातिया कलाम हम साथ ये वजान छू बस मेरे ना अंदर कुछ बिल्कुल फील हो जाता है कुछ अजीब सी कैफियत कैफियत पैदा हो जाती है। सही। बहुत अच्छा लगा आपने आगाज इसी नातिया कलाम से किया आदिल और आपने भी बहुत प्यारा साथ दिया इनका। तो सारे प्रोग्राम जो फॉर्मेट छो तक में आगाज में कि सवाल आसान में प्रसान छ बनिस मेहमान मगर तुम सवाल प्रसान यून सही थी ये सब साथ बहुत शुक्रिया आपका। तो शबीर साहब माशाल्लाह बड़ बड़ रुत कोरु प्रोग्राम का आगाज तो वहीं असल जान तुंद जिंदगी हवाल कत पुछ तुंद ताल्लुक तलीम तरबियत क्या मामलो रुत लक्षार सीत उस मौसकी सीत लोक हुए तो क्या वस तथ मुतलिक दब तो वैसे मे नाव शबीर अहमद बट बस रोजान आउटस्कर्ट श्रीनगर बटपुरा हजरतबल बचपन पे उस शौक तो तम पो इत उस्ताद नश हेच कें हेच यूट्यूब पे कें हेच सोशल मीडिया जमान उस तो तम पे हेच मे उस्ताद बिलाल सर इरफान सर तम नश मे हेचमुत विकस तुम्हें तम नश तो मे जो एजुकेशन है मेरी वो ग्रेजुएट है तो उसके बाद मैं स्टडीज कंटिन्यू कर पाया क्योंकि म्यूजिक के साथ करना था तो दैट्स वाई लक्चार कम कम बहु बोजान कम इंस्पिरेशन रेडियो इस्फा बोजान टेलीविजन पे कम आर्टिस्ट ज्यादा बोजान जी जी या ये तर्क और तौर फिक्री कि मौसिकी सच दिलचस्पी लोक हो आवाज कार तौर फिक्री कि मे आवाज तो बह गिवित बचपन पे उस बहुत स्कूल स्कूलिंग मे बहुत तथा प्रेयर करना स्कूलिंग कैसे स्कूलिंग मैं पन्नस लोकैलिटी लोकैलिटी मं ती वो प्रेयर करना पे वनान सारी टीचर तनान आवाज असल असल आवाज पोस रेडियो या टी वी तथ पे उस बोजान मोहम्मद रफी साहब उस बोजान नुसरत फतह अली खान साहब पन कशीर हिंद आर्टिस्ट वही जिलानी साहब इरफान सर बिलाल सर महमीद इत राशिद जहांगीर इन इन उस बोजान पे शौक 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 बढ़ो बढ़ो तो पद बनो मैं एज ए प्रोफेशन डिग्री हासिल कि सिर्फ तरीक़ हेचन उस्ताद नशान हेचान कि अपनो कि ना ना बस गसान सैटरडे संडे क्लासेस इरफान सर बिलाल सर नश तो सैटरडे संडे तिम नश ग
سلڈے سنڈے شدی تور گسان کلاس شو ہفتس میں زدو آسان تات بارس میں کرو مزید کت لیکن یہاں ناظرین محترم رکتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے کہیں جائیے گا مت کمرشل بریک کے اس پر بات کو آگے بڑھائیں گے آج کے ہمارے اس خاص مہمان کے ساتھ جہاں جن کا نام ہے شبیر احمد پٹ کہیں جائیے گا مت کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری 24 اور 25 اگست کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405 7006709265 ویلکم بیک ناظرین تو شو شام پن من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے تا آج آتھوار ہندو تھا آتھوار ہندو موسیقی سے ہم نے شروعات کی پروگرام کے آغاز میں ہی اور آج جو ہے ہمارے ساتھ موسیقار ہیں شبیر احمد بٹ صاحب تو گٹارس پر چھو عادل خالق صاحب تو شبیر صاحب اشو یوزولی کوشش کران آج آتھوار دو کہ اس کرو کتھ بات ذرا ہنا کم ہی پانا کیونکہ ناظرین کو بھی انتظار رہتا ہے ہم بھی جو ہے پسند کرتے ہیں آج سننا تو پروگراموں کا آغاز کری ایسا کہ ناطق شریف سے کرو مینشن ات مزہ انسپریشن بوزان تھی محمد رفیع صاحب یا لوکل وحی جیلانی صاحب تو کچھ ان کا ہو جائے جو آپ کے دل میں آئے بالکل جائے بہار بڑی مستانی ہے میری محبوبہ میری زندگانی ہے میری محبوبہ آنے سے اس کے آئے بہار جانے سے اس کے جائے بہار بڑی مستانی ہے میری محبوبہ میری زندگانی ہے میری محبوبہ بن سنور کے نکلے آئے ساون کا جب جب مہینہ ہر کوئی یہ سمجھے ہوگی وہ کوئی چنچل حسینہ پوچھو تو کون ہے وہ رت سہانی ہے میری محبوبہ میری زندگانی ہے میری محبوبہ لا 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 بہت ہی خوب بہت ہی شاندار شبیر صاحب نے یہ رفیع صاحب کا گایا ہوا نغمہ پیش کیا بہت اچھا لگا سن کر آپ کو کچھ یاد ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے سال پہلے آپ نے آغاز کیا تھا اپنا پروفیشنلی جب آپ آئے تھے کچھ یاد ہے آپ کو سر 10 سال پہلے میں نے سٹارٹ کیا 10 سال ہو گئے جی سر بہت ہی خوب اور استاد سے ملاقات کب ہوئی کب لگا آپ کو کہ عرفان بلال ہی میرے استاد ہو سکتے ہیں کب آپ ان کے پاس پہنچے یا آپ کو کسی نے ریفر کیا ان کے پاس جی سر دیکھیں ہمارا کام ڈیلی ہوتا ہے ایونٹس پہ جانا ایونٹس پہ وہاں پہ گانا تو ایک جگہ ہم گئے تھے تو وہاں پہ عرفان سر بھی تھے بلال سر بھی تھے تو انہوں نے بولا کچھ کچھ کمیاں ہیں
जो दूर करनी है। तो मैंने बोला सर कब से आऊँ, तो उन्होंने बोला ऐसे सैटरडे संडे क्लासेस होते, जब आपकी मर्जी हो आप आओ। तो फिर मैं उन्हीं के पास गया, सैटरडे संडे में उन्हीं के पास जाता हूँ सर। आपने कहा आप इवेंट्स में जाते थे और वहां पर मुलाकात हुई जी, लेकिन वहां उनसे मुलाकात होने से पहले तब तक कहां से सीखे थे आप, तब तक कोई उस्ताद था? जी सर, उससे पहले भी मैं, मेरा एक उस्ताद रहा है, यूट्यूब रहा है, यूट्यूब पे मैं सीखता था। तो जैसे सोशल मीडिया हुआ या गाने सुनते रहो हेडफोन लगा के, तो उसी के साथ गुनगुनाते रहो और उससे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। सुर ताल के कैसे समझ में आएगा, सुर है एक ताल होती है, मतलब हमें तो दो चीजें पता हैं, बट आई एम श्योर कि इससे बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी जो बारीकी होती हैं, तो वो कैसे पता चला? क्योंकि मुझे तो लगता है इतना आसान नहीं है कि सुर पकड़ना या ताल पकड़ना। देखिये सर, जितने भी ह्यूमन्स है, जितने मखलूक है ना, ठीक, सबों के पास सुर है, ठीक, सुर अल्लाह की देन है, सुर यहाँ पे होता है। हमारे जो शास्त्रीय संगीत है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उसमें बोला गया है कि बेसुरा चलेगा लेकिन बेताला नहीं चलता है। सही। ताल, ताल का कंसेप्ट फिर खुद ही आता है, जब इंसान कंटिन्यूटी किसी काम को शिद्दत से करने की कोशिश करता है ना, वो खुद ही आता है फिर। इसके बाद बिलाल साहब के पास, इरफान साहब के पास आप पहुंचे, वहां से क्लासेस शुरू हुई जी, तो उन्होंने फिर कहां से आपको सिखाया या कहां तक आपने समझा था म्यूजिक को, या उन्हें कहां तक लगा कि आपने म्यूजिक को समझा है? कि सर, रिसेंटली उनका हमने एक प्रोजेक्ट किया था जी, तो उन्होंने हमें एक सॉन्ग दिया था, सॉन्ग लॉन्च भी हुआ है हमारा, यूट्यूब पे हमारा सॉन्ग भी है। तो वहां से उन्होंने बोला कि नहीं, अब आप शायर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सॉन्ग मुझे याद है। बहुत कैश बोझने आदमी की यारो, आदमी की यारो, कब चूकने वादस करानिन, कारो करानिन, कारो मस क्या वाद छी आदमी की यारो, आदमी की यारो। ये कंपोजिशन किसकी है सर? ये कंपोजिशन बिलाल सर की है। अच्छा, उनकी कंपोजिशन है। तो आपने किस पे, ये यूट्यूब पे है जिसका खाली वीडियो भी है? इसका वीडियो भी तो तख्त के मुझे एक्ट करूँ तो शुरू पाने को मतलब एक्ट किया है। बहुत अच्छा, आपने खुद ही किया एक्ट। और इसके अलावा क्या शुभ मसरूफियात किसके साथ है? क्या ईशा यूट्यूब से खुद इतनी बेगुंजाइश होती आगो परफॉर्मेंस जो स्टेज शोज आप वगैरह करते हैं, इसके साथ हो गया आपको यूट्यूब कभी? और बॉलीवुड, बॉलीवुड में कुछ सोचा है जगह वगह बनाने का या बैकग्राउंड सिंगिंग? जी सर, हमने बहुत सारी जगहों पे शोज किए हैं, दिल्ली में किया है, मुंबई में किया है, चंडीगढ़ में किया है, अभी हम सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल कंसर्ट्स करें। अच्छा, बहुत उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके लिए तो सबसे अच्छा है कि आपके पास जो गुरु हैं वो ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हैं, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं। और रहमान बिलाल की बड़ी अच्छी बात है कि मतलब बिलाल के लिए कहा जाता है कि ही इज वेरी गुड विद द कीज, बिल्कुल, एंड इरफान के लिए कहा जाता है ही इज वेरी गुड विद द स्ट्रिंग्स। तो आपने क्या अपनाया, कीज या स्ट्रिंग्स? सर मैंने वोकल्स अपनाया। कैसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत। कभी सोचा था जिंदगी में कि मौसीकी के साथ जुड़कर इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर एक ऐसे शो में मौका मिलेगा एज गेस्ट आने का जो चाहता है सबका? सर कोशिश इंसान करते रहता है तो मंजिल खुद ब खुद रास्ते खोलती रहती है, होप। बिल्कुल सही। तो अच्छा गर्ज में उसके कदम चूमती है, बिल्कुल गर्ज में। अच्छा मैं एक लोता हूँ सबको नहीं देना गर्व ना, सपोर्ट अच्छी है मम्मी पापा भाभी भैया दीदी सब सपोर्ट करते हैं ताकि मेरे फ्रेंड्स
ये मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है आदिल, इसने मुझे आज तक सपोर्ट किया है, यहाँ तक जो अगर मैं पहुँचा हूँ आदिल की वजह से, घर वालों की वजह से और अपने उस्ताद की वजह से। बहुत ही खूब। अच्छा सा हॉबी अच्छा सा प्रोफेशन जी, तू शो म्यूजिक निर्माण एज हॉबी सही, क्यों तू शो निर्माण एज प्रोफेशन? सर कुछ टाइम तक मुझे लगा था कि हॉबी रहने दो, फिर नहीं करना है करना है करना है, तो अब प्रोफेशन ही बना दिया इसको, प्रोफेशन हो गया जी। तो क्या इसमें से ब्रेड एंड बटर कमा सकता है एक सर इंसान? ब्रेड एंड बटर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अपनी सेटिस्फिकेशन मिलती है, अगर अगर 10 रुपए नहीं कमाए 5 ही कमाए, लेकिन सेटिस्फिकेशन मिलती है। बट आई एम श्योर कि आजकल जो इवेंट्स हो रहे हैं आजकल बहुत प्लेटफॉर्म वगैरह ज्यादा अवेलेबल, या मतलब एक तो आपने यूट्यूब पे बात की, इसके अलावा स्पॉटिफाई है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे आप अपना सॉन्ग जो है डाल सकते हैं एंड यू कैन जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये बताइएगा कि मतलब आपको ये मौसीकी के साथ जो है बचपन से शौक था, एम वर ऐसा क्या बे का शौक है यू सोच मु दोस्तों की ये करो, क्योंकि यहाँ पे अगर इस कशीर बात करो उनके नौजवान में ज्यादा क्रिकेट शौक है, उस वक्त कैसा शौक? मेरा भी क्रिकेट। अच्छा जी, मैंने स्कूल का एक नेशनल खेला है। अच्छा, स्कूल की तरह से खेला है? खेला है नेशनल एक, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्या बॉलर थे, बैट्समैन थे या अच्छा ऑलराउंडर? मैं विकेट कीपिंग और बैट्समैन। अरे वाह क्या बात, लेफ्ट राइट राइट राइट। अच्छा, जब रियाज करता है एक सिंगर तो उसको रियाज तो चाहिए, हर रोज का रियाज चाहिए। बिल्कुल, तू कर कर शुरू रियाज करा थे, क्यों दिसकाल शुरू करना रियाज कर? हम रियाज ही नहीं करते, हम जाते हैं डायरेक्ट सर के पास, लेकिन रियाज सुबह के टाइम करना चाहिए, फजर की नमाज के बाद 1 घंटा सुर अभ्यास, तो उससे वोकल्स अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बहुत ही खूब। अब क्या सुनाएंगे अगला जी? अगला सॉन्ग अगला सुनेंगे हम कपिल भाई, पहले प्रोमो का वक्त हो चुका है जी। तो एक कमर्शियल वक्फे के लिए रुकते हैं, एक प्रोमो है जो करण का प्रोमो है, आपसे मजीद जो है हम और भी सुनेंगे जैसे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मोहतरम आइए देखते हैं लोक रंग का ये प्रोमो। पश्तो एक ऐसी ज़बान है, एक ऐसी शीरीन ज़बान है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। लोक रंग का आपने प्रोमो देखा और ये आजकल हमारा जो शो है बहुत ही मकबूल, बहुत सारे शोज हमारे नए आए हैं, बड़े मकबूल होते जा रहे हैं, लोग बड़े पसंद कर रहे हैं इन शोज को, और अगर ऐसे ही लोकल टैलेंट को मौका मिलता रहा, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता रहा, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। नाज़िम मोहतरम, अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियों का, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक बनता है, तो नाज़िम मोहतरम यहां रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के उस पर पहले पेश करेंगे आपके लिए अखबारों की सुर्खियां, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे आज के हमारे मेहमान के साथ, कहीं जाइएगा मत। कश्मीर, एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से,
और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी, 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर, एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के और वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। वादी में दरमियानी दर्जे की बारिशें, 20 अगस्त तक खराब मौसम का इम्कान, पुलवामा और गांदरबल में बादल फटे। जी अच्छा, मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा की खबर कुछ इस तरह की, जम्मू खत्ते में मिलिटेंसी वाकयात की रोकथाम के लिए नई हिकमत अमली पर अमल बरामद शुरू, 6 हसास अजला में 8 SP ऑपरेशंस तैनात। जी मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, पार्किंग पॉलिसी एट श्रीनगर एयरपोर्ट हर्टिंग बिजनेसेस कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू पीपल, KCCI। जी मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसकी खबर कुछ इस तरह की, टोरेंशियल रेन स्पार्क फ्लड लाइक सिचुएशन इन कंगन एंड पुलवामा रेजिडेंशियल एरियाज, गवर्नमेंट स्कूल्स, मेन मार्केट्स इन कंगन स्ट्रीम वेल्स रोड सबमर्ज, 1 इंजर्ड इन पुलवामा। बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से जो बादल फटने का अब यह सिलसिला शुरू हुआ है, हालांकि पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कंटिन्यूसली बादल फट रहे हैं और बादल फटने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अल्लाह खैर करे और आने वाले दिनों में जो पेशनगोई है कि बारिशें अभी रहेंगी, मौसम खराब रहेगा 20 तारीख तक तो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बादल नहीं फटेंगे, किसी का घर नहीं उजड़ेगा सबके लिए। जी और मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे, PM शोज कंसर्न और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, इसी अखबार से एक और सुर्खी, विद द पीपल के उनवान से इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चालान मशीन्स इन रूरल एंड इन एक्सेसिबल एरिया शेल हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्रैफिक वायलेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और आखिरी रोजनामा, उससे 2 खबरें हम लेंगे कि कोलकाता मेडिक्स रेप मर्डर, डॉक्टर्स यूनाइट फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक, ओपीडी सर्विसेज हिट एट GMC श्रीनगर। और इसी अखबार से एक और खबर कि करप्शन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, FIR फाइल्ड अगेंस्ट XMD JNK हैंडलूम कॉरपोरेशन, दी एंटी करप्शन ब्यूरो ऑन फ्राइडे रजिस्टर्ड 2 केसेस अगेंस्ट फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड राकेश शर्मा। तो ये एक और खबर कि करप्शन का मामला सामने आया है और इस पर FIR लॉन्च हो चुका है। नाजमतन आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेन के, और गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं एक टैलेंटेड यंग बडिंग सिंगर के साथ। जी हाँ, नाम है शबीर अहमद भट्ट और उनका साथ देने उनके साथ ही आदिल खालिक। शबीर साहब, अब आपने कहा कि आप फंक्शंस पर जाते हैं, आप इवेंट्स पर जाते हैं, किस तरह की डिमांड्स रहती हैं लोगों की? लोग आपसे कश्मीरी मौसीकी सुनना चाहते हैं या उर्दू सुनना चाहते हैं? हालांकि हमने जब भी इरफान बिलाल को सुना, चाहे उन्होंने नेशनल लेवल पर गाया या इंटरनेशनल लेवल पर गाया, उन्होंने हमेशा कश्मीरी को तरजीह दी। आपकी तरजीह किस तरफ है? सर, अभी जो सिचुएशन है वो सारे पंजाबी 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 गाओ पंजाबी गाओ, लेकिन हम भी कश्मीरी गाते हैं, ज्यादातर हम कश्मीरी गाते हैं। तो अभी जो यूथ बोलते हैं, जो सुन रहे हैं, वो ज्यादा पंजाबी सुन रहे हैं, कश्मीरी थोड़ा कम ही सुन रहे हैं। हालांकि हमें बहुत ज्यादा पंजाबी समझ आती भी नहीं है, लेकिन सुनना पसंद करते हैं, बीट्स जो उसके होते हैं। जी हाँ, बीट्स उनकी बहुत लोगों को पसंद आती है, वो फीलिंग होती है।
आपका फेवरेट क्या है, पंजाबी, कश्मीरी या उर्दू? मैं कश्मीरी गाता हूँ, उर्दू भी मेरा अच्छा है लेकिन कश्मीरी में पसंद करता हूँ ज्यादा। जिससे कुछ आप नॉस्टैल्जिक ऐसी पुरानी मेमोरी है, उस्ताद का ही सॉन्ग है जी, प्लीज वही मैं गाता हूँ। खान पैमान बचाना दिलदार है दिल जान पैमान बचाना इंसान की अनमय खान पैमान बचाना बड़ी बेच समय खान बड़ी बेच समय खान जमाल गुसरा जमाल गुसरा जमाल गुसरा तन बोझ मई अफसान पैमान बुझानस इंसाकियन मई खान पैमान बचन हरिए था बखना कंटुलो जार में तोत वंतलो लो हरिए था बखना सदा खूबसूरत ये करूँ तो एक कशिर बट बड़े जबरदस्त। और इससे पहले भी आप कह रहे थे तो इसे दफा इस शिक्रा कॉन्सर्ट तो मुंबई मज तुर्मुत तो दिल्ली मज तॉन्सर्ट तो कर्मुत तथा कमन बोतन हिंस फरमाइश आशिर बोतन हिंस फरमाइश तो समझ में आता है उनको वहाँ की ऑडियंस को आगे की कशिर ये जॉब करा नब्र जॉब करा या पढ़ने जाते हैं बच्चे तो वो तो एंजॉय करते ही करते हैं लेकिन जो वहाँ के जो लोग होते हैं जिनको ये भाषा समझ में नहीं आती मैं अंडरस्टैंड छका उर्दू लैंग्वेज करित की हिंदी के ये कश्मीरी लैंग्वेज सॉरी माज़ रखा है कश्मीरी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती है तुम्हें समझ तरह तुम चाहे एंजॉय करा बहुत। जब हम बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हैं फिर वही बोलते हैं वहां से प्लीज एक कश्मीरी हो जाए एक कश्मीरी। अच्छा हाँ यही मामला है कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती है लेकिन हम सुनना पसंद करते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोगों को कश्मीरी समझ नहीं आती है लेकिन कश्मीरी वो सुनना पसंद करते हैं बिकॉज म्यूजिक हैज इट्स ओन लैंग्वेज। बिल्कुल म्यूजिक को किसी जुबान की जरूरत नहीं होती। अच्छा तबरेज़ भाई ये तो जरूरी है पर हमारी जो प्रोड्यूसर साहिबा है वो कह रही है कि एक जो है बॉलीवुड का जो है घर बैठी हुई है आप नाज़रीन उनको देख नहीं सकते हैं लेकिन उनकी फरमाइश है तो प्लीज उनकी फरमाइश के लिए कुछ हो जाए बॉलीवुड का एक गाना। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के सौ जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया जिस्म का है रुआ तेरे हवाले कर दिया जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया जिस्म का है रुआ तेरे हवाले कर दिया। बात करी कि तेरे हवाले कर दिया जो भी था सब कुछ तेरे हवाले कर दिया यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये उस्ताद अपना जो होता है ये हमेशा अपना सब कुछ अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता है लेकिन देखना ये है कि शागिर्द के पास कितना बड़ा बर्तन है सबको संभालने के लिए। और आपके जो उस्ताद हैं माशाल्लाह पिछले कुछ कई सारे एपिसोड्स में मौका मिला मुझे भी उनके स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने का वो मिले भी कुछ एपिसोड्स में एज गेस्ट आए थे और यहां पता चलता है वो कहते हैं ना एक बड़ा एक बड़ी अच्छी बात है कहते हैं कि आप काम बड़ी खामोशी से करें और आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचाए और आज राजा बिलाल सॉरी इरफान बिलाल की जो कामयाबी है वो शोर मचा रही है उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि उनके स्टूडेंट सामने आ रहे हैं और बहुत शानदार स्टूडेंट्स ने तैयार किए जो इस लेवल पर पहुंचे हैं कि वो नेशनल लेवल तक
परफॉर्म कर रहे हैं और अब इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। अच्छा शरीफ साहब तैयार जहां मौक नियमित कि जहां बाशवा तय मैं चेक कंपोजिशन आख बकर है ये कंपोज या तो आया आपका आइडिया तो वो इरफान सबस या बिलाल सबस कि मैं हस्ती कंपोजिशन आख जहां नस में जीवन अथवा कर हाबु थोड़ा सा जहां मिला मौक। हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है लेकिन वो एक्सप्रेस में नहीं कर पाया। अच्छा। किसी के साथ भी तो कभी मौका मिला कंपोज करने का या कभी कुछ कंपोज किया आपने? कंपोज किया है। देखिए हम एक कैंपिंग थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उस पे हमने एक दो सॉन्ग्स बनाए हैं खुद कंपोज किए खुद ही गाते थे फिर। ओके बहुत खूब। वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं वो हम लाइव ही करते थे। तो हम चाहेंगे आज भी लाइव में ही करें वो आप। बिल्कुल आपकी खुद की कंपोजिशन है। तन कथ में ये मान बोझना प्राण कथ में ये मान बोझना बेटी बचा बेटी पढ़ा शहरों गांव पे गांव वतना शहरों गांव पे गांव वतना बेटी बचा बेटी पढ़ा। अगर इस वक्त इरफान बिलाल साहब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनकी छाती चौड़ी होगी होगी ये देखकर कि उनका स्टूडेंट कितना आगे बढ़ गया है और उनका स्टूडेंट कितना शानदार तरीके से अपनी जिंदगी में आगे कामयाबी हासिल कर रहा है और आज इन्होंने कंपोजिशन अपनी बता दी। और शायद इरफान बिलाल को अगर आज तक नहीं पता हो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि इनके पास टैलेंट है कंपोज करने का आज उन्हें पता चल गया होगा। नेशनल टेलीविजन पे उन्हें पता चल गया होगा। पता चल गया होगा आई एम श्योर वो देख रहे होंगे इस टाइम का फेवरेट शो है ये। अरे माशाल्लाह। अच्छा आपने एक बात कही कि आपके घर में आपको काफी सपोर्ट मिलता है। जब आप घर पे होते हैं घर पे भाभी है भैया है मम्मी पापा है तो उनसे कभी फरमाइशें आती हैं कि बिल्कुल कुछ सुनाओ? बिल्कुल। कैसे सुनाते हैं आप? मेरे पापा वो उदर्शित हाफिज के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो वो उनके गाने मोबाइल में सुनते रहते हैं। तो आप कभी उनको रशीद हाफिज साहब का कोई सुनाते हैं गाना? आज सुना दीजिए उन्हीं के लिए। डेडिकेटेड टू योर फादर। यस मैं अपने पापा को डेडिकेट करता हूँ। बहुत खूब। या तिल खंजर मारे नक्शा निशा बारोजे यमजार बन हंस बरदर कर सन सुयार बोजे या तिल खंजर मारे नक्शा निशा बारोजे बुलबुल बीच बागुल मुश्ताक गो मुझ बिल्कुल बुलबुल बीच बागुल मुश्ताक गो मुझ बिल्कुल नए रोज गुलते बुलबुल नए रोज गुलते बुलबुल आज इश्क कथा रोजे या तुल्य खंजे मारे नसा निशाबा रोजे। अच्छा बहुत बहुत खूब। तो क्या छू पसंद मतलब जॉनर कुछ तो पसंद जॉनर? देखिए सर सर ने बोला कि आप पंजाबी बहुत अच्छा गाते हो पंजाबी जॉनर है मेरा लेकिन मेरा पसंदीदा जो गायकी है वो मैं कश्मीरी प्रेफर करता हूँ। ठीक तो खुश करा पानी से जॉनर सुच पंजाबी तो पंजाबी में हम जरूर सुनेंगे। अब हमारे नाजरीन को भी इंतजार रहेगा कि क्या तो करूँ एम इचकात की पंजाबी में आप प्रेफर करते हैं गाना लेकिन उससे पहले हमें बताइए कि कितने भाई बहन हैं आप लोग और क्या करते हैं आपकी सिस्टर क्या करती हैं आपके ब्रदर क्या करते हैं सिबलिंग्स क्या शिकरान? बिल्कुल मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे अभी वो रिटायर हो चुके हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे एज अ लैंडस्केप डिपार्टमेंट था उनका गार्डनर थे वो तो भैया भी मेरे गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर में वो है असिस्टेंट ऑफिसर है वहाँ पे वो और मेरी भाभी वो हाउस वाइफ भी है मम्मी भी मेरी हाउस वाइफ है और मेरी बहन की शादी हो गई है। आपके बाद आपके घर में आपसे पहले तो कोई म्यूजिक में नहीं था नहीं आपके बाद कोई म्यूजिक में आया आपको देखकर अभी तक नहीं अभी नहीं आया उम्मीद है उम्मीद है। चलिए फिर इसी बात पे पंजाबी हो जाए जी हो लाओ इश्क दी अंधेरी उडारिया सानू प्यार दी चढ़िया खुमारिया सानू प्यार दी चढ़िया खुमारिया
मेरे पैर ना जमीन उठे लग दे, पैर ना जमीन उठे लग दे, लख चश्मे मोहब्बत दे वग दे, राते मिट्टे मिट्टे सुपने भी ठग, ना गल मेरे बस दी रही, ना गल मेरे बस दी रही, ओ किसे ऐसिया निगाह मैनू तकिया, ऐसिया निगाह मैनू तकिया, चाहते होए वे मैं दिल रुक सकिया, के आ पैर सिके दे विच रखिया, ना गल मेरे बस दी रही, ना गल मेरे बस दी रही, हो हो जाए, मुझे लगता है बड़ा मजा आया, शानदार और सचिंद्र सरताज का ये नगमा, मुझे सचिंद्र सरताज बहुत अच्छे लगते हैं, वंडरफुल सिंगर भी बहुत, बहुत और जो आपने बात कही कि गल मेरे वसदी ना रही, तो जब इंसान किसी भी चीज को शिद्दत से चाहता है तो उसके हाथ में फिर चीजें रहती नहीं, फिर वो पैशन उसको अपने साथ लेकर घूमता है, जैसे मौसीकी ने आपको अपने रंग में रंग दिया है, अब आपके बस की नहीं है, अब जो होगा वो मौसीकी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहां रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए, नाज़िम मोहतरम कहीं जाइएगा मत, अभी और कुछ सुनना बाकी है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे आपके अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेएंडके। कश्मीर, एक नाम एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी, 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के, और आज संडे का दिन है और हमारे साथ बड़ी ही ज़बरदस्त गायक शबीर अहमद भट्ट साहब, सिंगर, और इनके साथ ही साथ दे रहे हैं आदिल खालिक साहब जो कि गिटारिस्ट है और बड़ा साथ दिया इस 50 मिनट आपने, बड़ा जबरदस्त साथ दिया खालिक, हालांकि वो उनका साथ पूरी जिंदगी देते आ रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि वो उनके दोस्त हैं और उन्होंने अभी तक देके आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देंगे, भी देते रहेंगे, तो आप दोनों फले फूले और आगे ऐसे ही तरक्की करते रहें और बेस्ट अपना दें, क्योंकि हर किसी काम के लिए आपकी डेडिकेशन बहुत जरूरी होती है। अगर तू वफादार छू अपने काम खतर क्यों कर वफा, मगर अगर नहीं पान वफादार छू क्यों करने वफा, सिंसियरिटी। और हमने बहुत सारे बड़े सिंगर से सुना है, म्यूजिशियन से सुना है कि वो जब कहीं पर परफॉर्मेंस के लिए आते थे, रिकॉर्डिंग के लिए आते थे, तो वो बावजू आते थे। बिल्कुल। तो क्या आपको इस बारे में कुछ नॉलेज है? देखो, देखिए सर, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे फेवरेटिज्म, यहाँ पे कश्मीर में ऐसा है अभी कि टेस्ट पता नहीं चल रहा है, टेस्ट क्या है, कश्मीरियों का टेस्ट क्या है, फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, क्या चाहिए, वो पता नहीं चला। बेसिकली क्लियर नहीं होती हैं बहुत सारी चीजें जिंदगी में, धीरे धीरे चीजें क्लियर होना शुरू होती हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या। यूथ को नहीं पता क्योंकि उनके पास भी डायरेक्शन इतनी सारी होती है, यहां जाएं यहां जाएं, यहां मालूम नहीं होता, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। आज भी हम हमारे बिल्कुल बच्चों को, हमारे यूथ को सही रास्ता दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज संडे को स्पेशल होता है म्यूजिक और साथ ही साथ रोजगार भी रहता है। जी हाँ, रोजगार समाचार होते हैं, रोजगार बिल्डिंग होता है, तो गुड मॉर्निंग रोजगार के लिए आइए चलते हैं सीधा हमारे साथी सलीम साहब के पास। सामिन मुकर्रम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग रोजगार का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं जीएमसी राजौरी की इस नोटिफिकेशन से। नाज़रीन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी जम्मू को जेएंडके यूटी के डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल और नॉन पीएससी उम्मीदवारों से एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत ट्यूटर की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं।
असम की कुल तादाद 13, उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 50 साल मुकर्रर है। जिन डिसिप्लिन में ये असामियां पूर की जा रही हैं वो यूं है: एनाटॉमी 2 असामियां, बायोकेमिस्ट्री 3 असामियां, पैथोलॉजी 1 असामी, फिजोलॉजी 2 असामियां, कम्युनिटी मेडिसिन 3 असामियां और फार्माकोलॉजी 2 असामियां। इस जमीन में ऑफलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2024 है। दरखास्तें इरसाल करने के लिए पता है: प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी जम्मू। मुकम्मल तफासील के लिए लॉगिन करें www.gmcrajouri.in। हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को डिस्ट्रिक्ट जजेस की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असम की कुल तादाद 16, उम्मीदवार की उम्र 35 और 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत डिग्री इन लॉ। तनख्वाह का स्केल 1,44,840 1,94,660 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.jkhighcourt.nic.in। नाजरीन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जम्मू श्रीनगर को पैरामेडिकल की असामियां पूर करने के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। असम की कुल तादाद 19, असामी की तफसील यूं है: डेंटल हाइजीनिस्ट 1 असामी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 1 असामी, लैब असिस्टेंट 4 असामियां, लैब सुपर इंटेंडेंट 1 असामी, नर्सिंग सुपर इंटेंडेंट 4 असामियां, फार्मासिस्ट 7 असामियां और फिजियोथेरेपिस्ट 1 असामी। इस जमीन में ऑनलाइन दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 है। मुकम्मल तफासील के लिए लॉगिन करें www.rrjammu.nic.in। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को जेएंडके यूटी के सभी जिलों में कायम लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम दफातर में लीगल एड काउंसिल्स की असामियां पूर करने के लिए ख्वाहिशमंद लॉयर्स से दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 152, इनमें जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के लिए 76-76 असामियां मुख्तस रखी गई हैं। इस जमीन में ख्वाहिशमंद लॉयर्स अपनी दरख्वास्तें अपने अपने मुतलिका जिले के सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दफातर में 20 अगस्त 2024 तक जमा करा सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.jkslsa.gov.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कठुआ जम्मू जेएंडके यूटी के पीएससी या नॉन पीएससी डोमिसाइल उम्मीदवारों से कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों में सीनियर रेजिडेंट्स और डिमोनोस्ट्रेटर्स की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 27, इनमें सीनियर रेजिडेंट्स की 20 असामियां और डिमोनोस्ट्रेटर्स की 7 असामियां शामिल हैं। जिन शोबजात में सीनियर रेजिडेंट्स की असामियां पूर की जाएंगी वो यूं हैं: जनरल मेडिसिन 2 असामियां, ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस 2 असामियां, जनरल सर्जरी 4 असामियां, साइकेट्री 2 असामियां, रेडियोलॉजी 4 असामियां, ऑनकोलॉजी 1 असामी, एनेस्थेसियोलॉजी 3 असामियां और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन 2 असामियां। जिन शोबजात में डिमोनोस्ट्रेटर्स की असामियां पूर की जा रही हैं वो यूं हैं: एनाटॉमी 2 असामियां, कम्युनिटी मेडिसिन 2 असामियां, फॉरेंसिक मेडिसिन 2 असामियां और फार्माकोलॉजी 1 असामी। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 50 साल मुकर्रर है। इस जमीन में दरखास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2024 है। दरखास्तें इरसाल करने के लिए पता है: प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कठुआ जम्मू। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.gmckothua.in। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग जेएंडके का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपड़ा साहब आपका इन मालूमात के लिए। और बहुत मशक्कत लगती है, बहुत मेहनत लगती है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं,
तो उनके लिए ये एक जो मुफीद जो है जानकारी साबित हो और वो जरूर इन पोस्ट पे अप्लाई करें। बहरहाल नाजिन, प्रोग्राम आज संडे का एडिशन है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दो बेहतरीन गायक गुलकार शबीर अहमद भट्ट साहब और गिटार पे हैं आदित खालिक साहब। तो शबीर साहब कोशिश करूँ थे परफॉर्म ये इतना पंजाबी तो करूँ परफॉर्म थे, उर्दू में भी आपने गाया लेकिन एक जो है गजल रह गई, लगता है गजल अगर तो ये कोशिश पर करवा पसंद या उर्दू पर करवा पसंद आपकी चॉइस पे। मिस गई जुल्फ पर हम तोते क्या गो, ज़माने पुकन हमदम तोते क्या गो, गसी नहीं साफ दिल दिदला फसासा, गसी नहीं साफ दिल दिदला फसासा, गसी नहीं साफ दिल दिदला फसासा, न क्यों चत आब जम जम तोते क्या गो, मिस गई जुल्फ पर हम तोते क्या गो, ज़माने पुकन हमदम तोते क्या गो, मुबारक ज़ाहिदारन जन्नत चैसिन, मुबारक ज़ाहिदार जन्नत चैसिन, मुबारक ज़ाहिदार जन्नत चैसिन, सुथर बिन मै जहन्नम तोते क्या गो, मिस गई जुल्फ पर हम तोते क्या गो, ज़माने पुकन हमदम तोते क्या गो, तोते क्या गो, तोते क्या गो। वाह बहुत बहुत खूब, बढ़िया खूबसूरत, बढ़िया खूबसूरत, माशाल्लाह। हेचान छू तो बनते तो अच्छा बासा मुन छू, बाकी की हमीद में तो हेचुन छू अभी बहुत छू, बारिया बाकी क्या छू बाकी बासा अभी कुछ नहीं। अच्छा अभी सीखने की वहां तक सीखना है जब कबर तक सीखना है। अरे क्या बात है। अच्छा आपने कहा कि आगाज में ही आपने कहा कि आप वोकलिस्ट नहीं है, आपने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मतलब उनका कभी शौक नहीं, लेकिन जब हम रियाज करते हैं तो क्या उसमें कोई रियाज के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई साथ देता है क्या आप? सर एक एप्लीकेशन है तानपुरा जी, उसी पे कोई सुर या स्केल सेट करते हैं फिर उसी पे सुर अभ्यास करते हैं। क्या बात है। अच्छा ये जो हमारे आजकल बच्चे हैं जिन्हें हमने अक्सर देखा है गिटार लेके घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं गिटार लेके घूमते हैं, रात को एक गाना कहीं सुन लिया सुबह बजाना शुरू करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि बस अब सिंगर हम हो गए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सीखो और प्रैक्टिस करो फिर जाके गिटार पीछे थमाओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखिए नाजिम मात्र में ऐसा नहीं होता, खासकर मैं अपनी यूथ से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता कि रातों रात तरक्की मिल जाए, रातों रात आपको वो मकाम मिले जिसका आपने ख्वाब देखा हो, इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके आप किसी लेवल पे आते हैं, तब जाकर आप मकाम अचीव करते हैं, आप किसी मकाम पे आते हैं। आपका शबीर अहमद भट्ट साहब तुम्हें सड़ा सड़ा शुक्रिया आज सन स्टूडियोस में जुनू इस वक्त दिनों के पन तुम ये फन छू सुशांत मैं आप जिंदा बात आऊँ और अनिल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा साथ दिया, इस साथ के लिए हम दुआ करेंगे कि ये साथ बना रहे। तो आखिर पर कुछ दो लाइनें जी।
वसलई अंतन सुया वसलई अंतन सुया विल जा बोझ मुना यस पत रोग लोक चार यस पत रोग लोक चार विल जा बोझ मुना वसलई।